हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या देखें। कल इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स, एंड फिर हमने देखा था वीक फोर्स। जितने भी फोर्सेज नेचर में हैं उनको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और जो भी फोर्सेज आते हैं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप लोग ये 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो न्यूटन ने तीन लॉज दिए थे, है ना, तीन लॉज उन्होंने बताया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये पहले आया हुआ है, सेकंड का मतलब जस्ट इसके बाद, थर्ड का मतलब क्या है कि ये लास्ट में आया। ठीक है, तो उन्होंने तीन लॉज बताए जिससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जिनको यूज करके, कि ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों है, मूव कर रहा है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करेगा या वेरिएबल एक्सीलरेशन से मूव करेगा, या एक्शन रिएक्शंस क्या होता है, यदि मैं आपको मारूं तो मुझे भी क्या है, चोट लगता है ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, तीन लॉज बताए। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है। प्रीवियस स्टेट का मतलब क्या, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, वो मूव करेगा जब तक कि उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन्स ने ये बताया कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को खुद चेंज नहीं कर सकता। वो यदि रेस्ट में है तो खुद मोशन में नहीं आ सकता, यदि मोशन में है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसका खुद से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करता है। ठीक है, बात समझ में आई। क्या है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू मेंटेन इट्स प्रीवियस स्टेट, वट एवर its state was, until or unless it is not compelled by an external force. दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने प्रीवियस स्टेट को क्या करते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं जब तक कि उन पे क्या है, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप चलता नहीं है, अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ क्या लिखेंगे कि ये बॉडी इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और moves with constant velocity unless it is not compelled या forced, it is not compelled by a net external force या net external force। ठीक है, a body is continue to be at rest or in motion या moves with constant velocity unless it is not compelled by a क्या होगा, net external force। net external force का मतलब क्या हुआ कि vector sum of all the forces, क्या है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ए बॉडी इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन मोशन भी लिख सकते हो, इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंपल लिख दो इन मोशन, यहां लिख दो इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज नॉट कंपेल्ड बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। यदि क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दिस मीन्स दैट ए बॉडी क्या होगा, दिस मीन्स दैट
ए बॉडी कांट कैनॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। ये बात समझ में आई? आई मीन कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता है ना? क्या है? खुद से चेंज नहीं कर सकता है। जैसे देखो कि क्या है, एक क्या है, एक ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है? रेस्ट में। और इस पे यदि एक्सटर्नल फोर्स, यहां मैं लिख देता हूं एफ एक्सटर्नल, क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ऑलवेज क्या होगा? रेस्ट में ही रहेगा। क्या होगा? ऑलवेज। देखो यहां क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये लग रहा है इस पे, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, क्या है? जीरो है, तो ये ऑलवेज क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। दूसरा यदि देखो यहां एक ऑब्जेक्ट है ना, जिस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है, आई मीन नेट फोर्स यहां भी नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स। EXT का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या है? कांस्टेंट। ये जीरो हो गया और ये मूव कर रहा है, क्या है? v, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कब? प्रोवाइडेड कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यदि नेट फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। यदि ये मूव कर रहा है तो क्या होगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा जब तक कि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। समझ में आ रहा? देखो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इस पे भी क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केस में क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? ये ब्लॉक जो है वो क्या है? रेस्ट में। ये भी ब्लॉक जो है वो क्या है? रेस्ट में, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक क्या है? रेस्ट में। क्यों? दोनों ब्लॉक क्या है, सॉरी, ये ब्लॉक क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट में। ये पहले रेस्ट में था तो अभी भी क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। आई मीन स्टेट चेंज करने के लिए क्या होगा? जब क्या होगा? स्टेट चेंज करेगा। यहां देखो क्या होगा कि यदि क्या होगा, इस एड क्या होगा, देखो जैसे एक एग्जाम्पल देख लो कि ये कोई ब्लॉक है, इस पे अभी फोर्स नहीं लग रहा है, ये क्या है? रेस्ट में, एट रेस्ट, ठीक है, टी इक्वल टू जी, ये ब्लॉक है। यदि क्या होगा, किसी टाइम टी क्या करोगे आप, इस पे फोर्स लगाओगे एट एनी टाइम टी टी, तो ये क्या हो जाएगा? ए, इधर क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, वेलोसिटी अपना रहेगा। यहाँ वेलोसिटी एफ क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल, या केवल ही लिखो तो ये क्या हो जाएगा? मूव करने लगेगा, वेलोसिटी जो क्या होगा? नेट फोर्स। आई मीन यदि नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में है। यहाँ एफ एक्सटर्नल क्या है, हमने क्या माना है, आई मीन टी इक्वल टू जीरो पे इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। तो अभी क्या हो गया? एट एनी टाइम टी क्या हुआ? इस पे फोर्स हमने लगाया था एक्सटर्नल, तो क्या हुआ? वेरिएबल वेलोसिटी से क्या होगा? मूव करने लगेगा। समझ में आई बात? तो यही क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, कि एवरी बॉडी या ए बॉडी इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस इट इज नॉट कंपेल्ड बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। दिस मींस ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ इट्स स्टेट बाय इट्स ओन। आई मीन क्या हुआ? अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। तो इसी को क्या बोलते हैं? इनएबिलिटी या रिलक्टेंट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया और मास। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है? क्या मिलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया मिलता है। आई मीन मास का क्या होता है? डेफिनेशन मिलता है कि मास क्या होता है, ठीक है, क्या होता है? मास। बाद में हम देखो उसके बाद क्या है कि यही है दिया, इनएबिलिटी और रिलक्टेंट टू चेंज द स्टेट बाय इट्स ओन इज नथिंग बट द इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया का क्या है? डेफिनेशन मिलता है यहां से, जो आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा? इनएबिलिटी और रिलक्टेंट, क्या यहां लिखेंगे? इनएबिलिटी और रिलक्टेंट इनएबिलिटी और रिलक्टेंट टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी inability or reluctant to change the state
टू चेंज द स्टेट स्टेट बाई बाई इट्स ओन इट्स ओन इज कॉल्ड इन रशिया। इसको हम क्या बोलते हैं ब्रैकेट में क्या बोलते हैं मास। इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रांसलेशनल इनर्शिया। तो इनएबिलिटी और रिलक्टेंट टू चेंज द स्टेट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ ए बॉडी और मास ऑफ ए बॉडी। ग्रेटर द क्या होगा ग्रेटर द मास। क्या लिखेंगे ग्रेटर ग्रेटर द क्या होगा मास या ग्रेटर द इनर्शिया इनर्शिया आई मीन क्या होगा मास मोर फोर्स या ग्रेटर फोर्स विल रिक्वायर विल रिक्वायर टू चेंज द स्टेट एंड वाइस वर्सा। ये तुम जानते ही हो तो ये ग्रेटर द इनर्शिया। केवल याद रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है बाद में हम थ्री पॉइंट लिख देंगे। तो ग्रेटर द इनर्शिया आई मीन ग्रेटर द क्या होगा इनएबिलिटी या सिंपल बोलेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफर बाय ए बॉडी टू चेंज इन चेंज द स्टेट इज कॉल्ड क्या होगा इनर्शिया। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी मोर फोर्स विल रिक्वायर्ड या ग्रेटर फोर्स विल रिक्वायर्ड टू चेंज इन इट्स स्टेट एंड वाइस वर्सा। क्या होगा जितना ही ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा इनर्शिया होगा इनर्शिया क्या मतलब क्या होगा मास उतना ही क्या होगा उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी क्या करने के लिए मोशन में लाने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है इनएबिलिटी और रिलक्टेंट टू चेंज द स्टेट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। ठीक है ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ग्रेटर द इनर्शिया ग्रेटर फोर्स विल रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट टू चेंज द स्टेट एंड वाइस वर्सा। अब इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है थ्री टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है जो तुम जानते भी हो टेंथ क्लास में पढ़े हो केवल मैं उसको बता देता हूं कि क्या है। हमने पढ़ा था कि यदि क्या है जब हम बस मान लो कि बस में हम खड़े हैं पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन द बस एंड बस सडनली स्टार्ट मूविंग देन देखना पैसेंजर फॉल डाउन बैकवर्ड इसका रीजन क्या होता है तो ड्यू टू इनर्शिया। यदि क्या हम बस में जा रहे हैं और सडनली ड्राइवर क्या हुआ ब्रेक अप्लाई कर दिया सडन ब्रेक अप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा हम क्या हो जाएंगे आगे की तरफ झुक जाते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया। एक होता है कि सडनली देखना जब बस क्या होता है सडन टर्न लेता है कर पाथ पे तो क्या होता है पैसेंजर जो होता है क्या होगा बाहर फेंका जाता है थ्रो आउट आउटसाइड ऑफ द क्या होगा बस। ठीक है या कार ऐसा क्यों होता है तो ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरह के होते हैं क्या होता है कि क्या होगा इनर्शिया इन रेस्ट इनर्शिया इन मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या होगा इनर्शिया होगा। ठीक है तो इनर्शिया जो होता है इनर्शिया तो हम क्या पढ़ेंगे इनर्शिया इनर्शिया ऑफ क्या होगा रेस्ट दिस इज इनर्शिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मोशन और इसको क्या बोलते हैं इनर्शिया इनर्शिया ऑफ क्या होगा डायरेक्शन। ठीक है तीन तरह के क्या होते हैं इनर्शिया होते हैं। इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनएबिलिटी टू क्या होगा इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया एट रेस्ट। क्या होगा या रिलक्टेंट क्या लिखेंगे देखो यहां से इनर्शिया एट क्या होगा रेस्ट इनर्शिया एट या इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिख लो इनर्शिया ऑफ
ठीक है, इसमें क्या होगा, इट इज क्या होगा, इट इज इनएबिलिटी, इनएबिलिटी और रिलक्टेंट, रिलक्टेंट ऑफ, ये क्या होगा, इट इज इनएबिलिटी और रिलक्टेंट ऑफ ए बॉडी, ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू चेंज द क्या होगा, स्टेट, स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या इनर्शिया एट रेस्ट लिख लो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इनर्शिया एट मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये सही होगा, ठीक है, तो इज कॉल्ड इनर्शिया एट क्या होगा, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट क्या होगा, रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, कई एग्जांपल्स है, तुम इसको, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो ये क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, तो रेस्ट में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस ब्लॉक विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इट्स ओन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया एट क्या होगा, इनर्शिया एट, ठीक है। दूसरा जो इसमें डेफिनेशन होता है, अब देखो इसमें एक और एक एग्जांपल पूछा जाएगा, जैसे देखो यहां से ये अच्छी बारों में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन, तुम लोग ये क्या है, यहां से क्या कि थ्रेड है, यहां से एक ब्लॉक, ठीक है, और यहां क्या है, थ्रेड, ये पॉइंट क्या है, ए है, और दिस इज पॉइंट क्या है, ठीक है, ये ब्लॉक है, अब हम क्या करेंगे, यदि सडनली क्या किया हम, यदि बी सडनली क्या किया, ऐसे इसको पुल किया, ऐसे इस साइड, आई मीन आइदर लेफ्ट और राइट, सडनली जब हम पुल करेंगे तो ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा, ए और बी से कहां से स्ट्रिंग क्या होगा, ब्रेक होगा, स्ट्रिंग है, और ये भी क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। अब सडनली आप पुल करोगे या क्या करोगे, सडनली आप खींचोगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कहां से ब्रेक होगा, ये पूछा जाएगा, तो ड्यू टू क्या होगा, इनर्शिया एट रेस्ट, ये जो ब्लॉक है ये क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, अपने प्रीवियस स्टेट को क्या करता है, मेंटेन करता है, तो यहां क्या हो जाएगा, जब आप सडनली इसको पुल करोगे, आई मीन सडनली जब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, यहां से आप पुल करोगे तो क्या हो जाएगा, बी पॉइंट से क्या होगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वही अब क्या करोगे, आप स्लोली स्लोली आप क्या करोगे, यदि पुल कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ई से क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो दिस इज बिकॉज अब क्या होगा, इनर्शिया एट रेस्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कि मान लो कि क्या है, कि बस में क्या है, पैसेंजर खड़ा है और बस सडनली मूव करना शुरू कर दिया, तो जो जितने भी पैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, बैक साइड क्या, बैकवर्ड क्या होते हैं, लीन हो जाते हैं या गिर भी जाते हैं, पीछे की तरफ क्या है, गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू इनर्शिया एट रेस्ट, क्यों, क्योंकि जस्ट बिफोर क्या होगा, स्टार्टिंग द बस पैसेंजर क्या है, रेस्ट में है, तो जस्ट आफ्टर भी क्या करेगा, वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, लेकिन जब हम गाड़ी पे होते हैं तो नीचे वाला अपना जो पोर्शन होता है, आई मीन जो फुट है वो क्या है, बस के टच में है, तो मूव करना शुरू करेगा, लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो ऑलवेज रेस्ट में रहेगा, इसलिए हम क्या होते हैं, बैकवर्ड क्या करते हैं, फॉल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ क्या है, इनर्शिया एट क्या होगा, मोशन, इनर्शिया एट क्या होगा, मोशन, ठीक है, तो यहां क्या होगा, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू क्या होगा, टू चेंज द क्या होगा, स्टेट ऑफ ए
इट इज नथिंग बट द क्या इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ योर बॉडी बाई क्या होगा बाई इट्स ओन इज कॉल्ड इनर्शिया एंड मोशन। ठीक है, तीसरा जो होता है इनर्शिया, इसके वजह से क्या होता है कि जब पैसेंजर क्या है, मान लो कि जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और सडनली क्या है ड्राइवर ब्रेक लेता है, बस से हम जा रहे हैं और खड़े हैं, बैठे हुए नहीं है, खड़े हैं, बैठने के टाइम उतना महसूस नहीं होता है क्योंकि हम क्या है गाड़ी के टच में होता है, लेकिन जब हम खड़े हैं और ड्राइवर क्या करता है ब्रेक अप्लाई करता है तो उस समय हम क्या होते हैं आगे की तरफ क्या होते हैं झुक जाते हैं, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ क्या होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया एट मोशन। ठीक है, तीसरा जो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो यहां क्या तीसरा जो होगा क्या होगा इनर्शिया ऑफ क्या होगा डायरेक्शन, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग नाइन्थ क्लास में ही पढ़े हो, नाइन्थ टेंथ क्लास में। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगेन इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज क्या होगा, इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इट्स क्या होगा इट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसके वजह से देखो जब क्या होता है, कभी आप कार में बैठे हुए हो तो देखना जब हम क्या करते हैं जब कार को टर्न करते हैं तो वहां क्या होता है कि हम ऐसा लगता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ क्या है ऐसे लग रहा है कि हम कार से बाहर की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, तो यदि क्या होगा खुला हुआ कार हो और यदि हम टर्न लें और आप कुछ नहीं पकड़े हुए हो आप किसी चीज को नहीं पकड़े हो कार के अंदर जो पार्ट है उसको नहीं पकड़े हुए हो तो आप क्या होगा सडनली क्या होगा बाहर फेंका जाओगे। ऐसा क्यों, दिस इज इनर्शिया ऑफ क्या होगा डायरेक्शन। द पैसेंजर सीटिंग ऑन द क्या होगा सीट व्हेन द कार टेक टर्न पैसेंजर विल थ्रो आउट फ्रॉम द क्या होगा कार, दिस इज बिकॉज ऑफ क्या होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है इनर्शिया मास का डेफिनेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखो कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें क्या होगा न्यूटन्स लॉ क्या होगा वैलिड होगा और कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या होगा इनवैलिड होगा। न्यूटन्स लॉ वैलिड इनवैलिड का मतलब क्या, यदि नेट फोर्स लग रहा है तो क्या होगा उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए, यदि नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे या उसके बाद हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अदर इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब यहां तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है। ठीक है, क्या है टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या होगा देयर आर, तो पहले एक एग्जांपल देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होगा फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो ध्यान से फ्रॉम क्या होगा फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी गेट टू टाइप ऑफ क्या होगा फ्रेम ऑफ क्या होगा रेफरेंस। ठीक है, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कितने टाइप के होते हैं उम्र, तो यहां से तुमको मालूम चलेगा फ्रेम ऑफ क्या होगा रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है दो टाइप का होता है। ठीक है, एक क्या होता है इनर्शियल फ्रेम
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं एग्जांपल देख करके बताऊंगा तुमको, तब समझ में आएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम इसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ आई मीन न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, वैलिड होता है। तो ठीक है, तो क्या होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, देखो यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर हम देखेंगे। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डेफिनेशन मैंने बताया था, ये क्या होगा इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोज फ्रेम ऑफ क्या होगा रेफरेंस रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऐसे भी लिख सकते हो, किसी किसी बुक में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी दिया हुआ है, लेकिन इन विच न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड वैलिड दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या होगा, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वी गेट टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज कॉल्ड क्या होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदर इज क्या होगा नॉन इनर्शियल। न्यूटन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप जहां से देख रहे हो, यदि ऑब्जेक्ट पे क्या है नेट फोर्स क्या है, यदि जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। समझ में आया ना, जैसे एक एग्जांपल देखो कि एग्जांपल देखो यहां, देखो ये क्या है ब्लॉक है, यहां एक क्या है ब्लॉक है, ये ब्लॉक एट रेस्ट आई मीन वेलोसिटी जीरो है इसका। ठीक है, अभी देखो इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पे फोर्स क्या है एफ एफ एक्सटर्नल क्या है, कोई फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना यार, इस पे नेट फोर्स क्या है नेट फोर्स जीरो है ना यार, देख रहे हो ना। अब क्या है यहां एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर क्या है यार, आई मीन ये क्या हुआ ग्राउंड फ्रेम हो गया, अरे ग्राउंड फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ ग्राउंड हो गया, ये ऑब्जर्वर क्या है ऑब्जर्वर ए मान लो, और इसको एक देखो आप दूसरा ऑब्जर्वर यहां है, यहां ही कंसीडर कर लो या ऐसे डायग्राम थोड़ा सा बीच में ऑब्जेक्ट को रखने दो तब ज्यादा, ये ब्लॉक है यहां रख दो, ये ब्लॉक क्या है एट रेस्ट, और तो नेट फोर्स भी देख रहे हो इस पे नेट फोर्स क्या है जीरो है, जीरो है ना यार तभी। अब देखो यहां एक ऑब्जर्वर है, एक यहां ये ऑब्जर्वर क्या है ये है, ये कहां है ग्राउंड ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलेंगे आई मीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया ग्राउंड हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है, तो ये क्या हुआ ये ऑब्जर्वर ये है, दूसरा ऑब्जर्वर क्या है इस कार में, एक कार है या कोई गाड़ी है यहां बैठा, ठीक है यहां अभी मत बोलना कि सर ये दिखेगा कैसे चारों तरफ से बंद है, तो ऐसे नहीं खुला है ऐसे समझ लो, ठीक है यहां से क्या है देख रहा है। अब ये ऑब्जर्वर क्या है देखो इधर एक क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है ये ऑब्जर्वर बी है, ठीक है दोनों इस ब्लॉक को देख रहे हैं, देखो नेट फोर्स क्या है ब्लॉक पे क्या है जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए जीरो होना, आई मीन इसका वेलोसिटी यदि नेक्स्ट क्या है ये नेट फोर्स जीरो है तो इसका वेलोसिटी भी क्या होगा ऑलवेज क्या होना चाहिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए ब्लॉक का जीरो होना चाहिए। अब देखो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा रेस्ट में ही रहेगा यार, अरे ऑब्जर्वर है ना ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में क्या है रेस्ट में है। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया कि यदि नेट फोर्स नहीं लग रहा है उस पर
यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मूव नहीं करना चाहिए। तो देखो एक ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, और एक ऑब्जर्वर क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इधर मूव करेगा क्या, अरे इसको हम ब्लॉक लिखते हैं, देखो तो ब्लॉक, ठीक है। तो देखो तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ऑब्जर्वर बी, ठीक है। ऑब्जर्वर बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लॉक माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, अरे बताओ, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी, दिस इज क्या होगा, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर बी, ये तो जीरो है, तो जीरो हो गया। आई मीन क्या होगा, वी ए बी, वी बी बी, आई मीन क्या हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से किधर मूव करने करेगा, लेफ्ट। तो अगेन क्या है, देखो ई बी क्या देख रहा है कि इस पे नेट फोर्स जीरो है, ई बी क्या है, नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलेरेट नहीं होना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, किधर, लेफ्ट, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में रहेगा। आई मीन दोनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है, और इसका एक्सेलेरेशन भी क्या है, जीरो है। इसलिए ये ऑब्जर्वर, आई मीन ये क्या होगा, एक कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये क्या है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये समझना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी बी। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर बोथ ऑब्जर्वर ए एंड बी, ऑब्जर्वर ए क्या है, एक कार है, समझ में आया ना, एक कार कंसीडर कर लेना, ठीक है। फॉर क्या होगा, फॉर फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक क्या है, ब्लॉक जीरो है, और ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में, रेस्ट ब्लॉक क्या है, इज एट रेस्ट। हेंस ग्राउंड इज कॉल्ड क्या होगा, ग्राउंड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, क्यों, क्योंकि देखो इसके रिस्पेक्ट में इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो ये क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हेंस क्या होगा, हेंस हेंस ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम इज क्या होगा, ऑलवेज इनर्शियल नहीं होता है, मैं बताऊंगा बाद में, नोट में लिखा दूंगा, ग्राउंड फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। आई मीन क्या होगा, ऑल ऑब्जेक्ट विच इज एड्रेस्ड विल बी ऑलवेज इनर्शियल फ्रेम, ये याद रखना, ये मैं बता, देखो ये क्या है, रेस्ट में है, बाद में यहां इसको हम यहां नहीं रख करके एक कार को मूव करा दें, एक कार को रेस्ट में रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल याद रखना है कि जितने भी, आई मीन इंडस्ट्रियल फ्रेम क्या होगा, बिल्डिंग हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल फ्रेम हो सकता है, ठीक है, समझ में आया क्या। फॉर ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, बी, तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फॉर क्या होगा, फॉर फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बी, वो क्या, ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा कि ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक इज क्या होगा, मूविंग टूवर्ड क्या होगा, टूवर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट विथ वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या, माइनस भी वही होगा ना, ठीक है। दूसरा नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जर्वर बी का जो फ्रेम है, आई मीन क्या होगा, हैंड हेंस क्या हो जाएगा, मूविंग कार, कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम, हेंस हेंस कार इज क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो
क्या होगा कि when the object is क्या होगा either at rest or moving with constant velocity that object is considered as inertial frame of reference. ठीक है, तो नोट में लिख लेना है कि inertial frame of reference में क्या होगा, क्या होगा कि either क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो सकता है, मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसलिए मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां कि दोज ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या होगा, प्लेस विच इज क्या होगा, इज एट रेस्ट और मूविंग, मूविंग विथ क्या होगा, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, याद रखना है विथ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई मीन इसमें क्या होगा, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, वैलिड होता है. I mean, in this frame क्या होगा, Newton's law क्या होगा, valid होगा. दूसरा क्या है, अर्थ को हम मानते हैं, if we in general हम consider करते हैं कि अर्थ को भी हम क्या मानते हैं, inertial frame of reference मानते हैं. कब, जब उसके rotation को हम क्या करते हैं, अर्थ भी अपने axis के about क्या है, rotate करती है. तो अपने axis के about जो उसका rotation होता है उसको हम neglect कर देते हैं, तो हम अर्थ को भी हम क्या consider करते हैं, inertial frame of reference consider कर लेते हैं. तो in general मैं लिख देता हूं, in general जनरल अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड इनर्शियल, अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस. बट यहां लिख देता हूं बट क्या होगा, बट इफ, इफ लेकिन जनरली हम इनर्शियली, बट इफ रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड देन, देन अर्थ, अर्थ विल बी क्या होगा, विल बी नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, क्या होगा, अर्थ जो होगा वो क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, यदि उसके रोटेशन को हम क्या करें, कंसीडर कर लें. दूसरा जो पॉइंट है यहां मैं बता रहा हूं, अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या होगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा, वैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है. जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो तो अर्थ को हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानते हैं. लेकिन कहीं कहीं आप जब देखोगे कि क्या होगा, उसके रोटेशन को हम, उसके एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको कंसीडर कर लें, तो भी क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है. ठीक है, अब देखो जैसे यहां हम लिख रहे हैं क्या कि नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस. बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है, देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको तुम देख सकते हो. ठीक है, जैसे देखो यहां, जैसे सिंपल ये मान लो कि क्या है, एक यहां ये कार है और इधर क्या है, एक्सेलरेट हो रहा है, कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. यहां क्या है, एक ब्लॉक रखा गया, देखो यहां
ठीक है, ब्लॉक है। अब क्या है, यहां एक ऑब्जर्वर है, देखो ये क्या है, एक्सेलेट हो रहा है, आई मीन ये क्या है, एक्सेलेटिंग फ्रेम है, क्या है, एक्सेलेटिंग। ये ऑब्जर्वर ए है और दूसरा एक ऑब्जर्वर यहां है, ये मान लो ऑब्जर्वर बी, और ये क्या है, ऑब्जर्वर ए है। ये ऑब्जर्वर क्या है, आई मीन ओ ए, और इसको मान लो ओ बी, मान लो ऑब्जर्वर बी, ठीक है। अब देखो ये ऑब्जर्वर, देखो ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट में हम देखें इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, देखो इधर क्या लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में आप देखोगे फॉर क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होगा ए, ठीक है। इस पे देखोगे तो इस पे इधर क्या लग रहा है, इसका फ्री बॉडी, इसका ब्लॉक, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स बाद में। और ये क्या है, एक्सेलेरेशन, ये इधर क्या है, किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, एक्स, ये यही देखेगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ये बाद में मैं बताऊंगा, ग्रह, और किसके लिए, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, ये क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर है, फॉर ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, फॉर ऑब्जर्वर। अब देखो क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, एन लग रहा है, किधर, इधर लग रहा है, और एक्सेलेरेट भी हो रहा है, तो ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या है, एम ए, ये सही है, ये अच्छा, देख इसको दिखेगा यार, फोर्स लगेगा तो एक्सेलेरेट होगा। दूसरा ऑब्जर्वर देखो क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर बी जो कार में बैठा हुआ है, क्या है, कार है, तो ये क्या देखेगा, देखो ये ब्लॉक, अरे ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में ही है ना यार, लेकिन फोर्स तो लग ही रहा है ना यार, देखो इधर ये क्या होगा, इधर क्या हो रहा है, एन इधर लग रहा है, लेकिन ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ये कौन देख रहा है, ये देख रहा है। तो न्यूटन ने क्या बताया था यार, कि यदि बैलेंस अनबैलेंस फोर्स लगे या नेट फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा, आई मीन ये क्या हो जाएगा, इसको भी क्या होना चाहिए, एक्सेलेरेट होना, लेकिन ये क्या देख रहा है, ब्लॉक बी जो है, आई मीन ऑब्जर्वर बी जो है वो क्या देख रहा है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, किसके, देखो तो यहां, अरे हम कार में एक साथ सभी जा रहे हैं, एक कोई ब्लॉक हो या कोई ऑब्जेक्ट को रख दो कार के अंदर, तो अपने को क्या मालूम चलेगा यार, कार क्या है, रेस्ट में ही है ना, अपने रिस्पेक्ट में थोड़ी मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में है, अरे इधर यदि हम दीवार के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो एक तो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा ना यार, तो एक कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा है इस पे, लेकिन क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में, फॉर ऑब्जर्वर ये क्या है, रेस्ट में है, ब्लॉक क्या है, ये आई मीन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहां तो न्यूटन्स लॉ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। न्यूटन्स ने क्या बताया था यार, फर्स्ट लॉ क्या, यदि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ब्लॉक को क्या होना चाहिए, एक्सेलेरेट होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, रेस्ट में है, यहां से लिख सकते हैं, तो फॉर ब्लॉक बी, आई मीन सॉरी फॉर ऑब्जर्वर बी क्या होगा, ब्लॉक इज एट रेस्ट इवन दो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स द क्या होगा, राइट, हेंस दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से यदि न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो रहा है, न्यूटन्स लॉ का मतलब क्या हुआ, यदि नेट फोर्स लगेगा तो उसको एक्सेलेरेट होना चाहिए, यदि नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां क्या होगा, वेलोसिटी, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर, हेंस क्या होगा, हेंस, हेंस फॉर क्या होगा, फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर बी क्या होगा, न्यूटन्स, द बी क्या होगा, न्यूटन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ इज क्या होगा, इनवैलिड, ठीक है। हेंस, हेंस क्या होगा, हेंस कार इज क्या होगा, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो केवल याद रखना है कि दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई मीन दोज प्लेस और दोज ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोज प्लेस और क्या होगा, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, इन विच क्या होगा, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस
मैंने लिख दिया जल्दी, मिटा दिया है, तुम लोग लिख लेना ठीक है। देखो यहां क्या लिखेंगे, अब दोज क्या होगा, दोज फ्रेम, फ्रेम ऑफ क्या होगा, रेफरेंस, रेफरेंस इन विच, इन विच न्यूटन्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ये आगे पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड, वैलिड आर कॉल्ड, आर कॉल्ड क्या होगा, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ ठीक है, आई मीन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे क्या होगा कि ऑल क्या होगा, ऑल एक्सेलरेटिंग प्लेस, और क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑल क्या होगा, ऑल एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग प्लेस और क्या होगा ऑब्जेक्ट आर कंसीडर्ड, कंसीडर्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस यही याद रखना कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और जिसमें न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई मीन जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या रेस्ट में हो, ऑलवेज इनर्शियल होता है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक्सलेट हो रहा हो, आई मीन जिसमें एक्सलेशन हो, उसमें क्या होता है, न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो जाता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा गया है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से तीन चीजें मिलती है, एक तो क्या है, फोर्स का डेफिनेशन ठीक है, यानी फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, मास के बारे में हम पढ़ते हैं, और तीसरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉ इनवैलिड होता है उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उससे पहले लीनियर मोमेंटम के बारे में हम देखेंगे ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ।